मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेहद ही गर्म है और ऐसे में सर्दी के मौसम में झारखंड की जनता को विधानसभा देखकर गर्माहट जरूर महसूस होगी। झारखंड विधानसभा में 3 विधायकों का निलंबन हुआ है और कई विधायक ऐसे कार्यकलाप कर रहे हैं जिससे नाराजगी सदन में दिखी जा रही है। इस समय हमारे साथ झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सर्दी के इस मौसम में बड़ी गर्माहट है सदन में, क्या जनता का कार्य हो पा रहा है पूरी तरह से? देखिए, आप भी लगातार हमारे साथ सदन में मौजूद हैं और क्या काम हो पा रहा है या क्या नहीं हो पा रहा है हम समझते हैं कि आपसे भी छिपी हुई नहीं है। तो जनता का काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कहाँ से व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, ये तमाम विषय पर जनता आकलन करेगी और आने वाला समय में निश्चित रूप से जनता इसका माकूल जवाब भी देगी। सर, लेकिन एक आरोप आप पर भी लग रहा है कि बाबूलाल कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया कल और विधानसभा अध्यक्ष ठीक से हमारे प्रति व्यवहार नहीं रख रहे हैं। देखिए, आप तो इस विषय को भी जानते हैं कि दुनिया में जितना जीव जंतु है, अगर सबसे स्वार्थी अगर कोई जीव जंतु है तो आदमी है, और आदमी का अपना स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं होता है तो ऊपर वाला पर भी लांछना लगाने में उनको तनिक भी देरी नहीं लगता है। हम तो कौन खेत के मूली हैं, इसलिए आरोप लगाना नहीं लगाना ये अपना अपना विषय होता है। लेकिन जो बोलने की अनुमति नहीं उनको मिल रही है, कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, जबकि सदन के अंदर हम लोगों ने भी देखा कि सदन में उनके तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं आया, उनके विधायक लगातार आग्रह कर रहे हैं। देखिए, बोलने के सदन के अंदर में बहुत सारे अवसर आए 4 साल के अंदर में। आप 4 साल के प्रोसीडिंग को अगर देख लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना बोलने वाला है, कौन कितना नहीं बोलने वाला है, आपको पता चल जाएगा। वो हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। सर, बेहद नाराज भी थे आप, क्या कहेंगे विधायकों को जो सदन का एक दिन बचा हुआ है, अब आखिरी सत्र का दिन है, और ऐसे में विधायकों को क्या कहेंगे ताकि जनता का ज़्यादा काम हो सके? तो हम तो हमेशा विधायकों से आग्रह करते हैं कि जब हमको क्षेत्र के जनता चुन करके विधानसभा भेजने का आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से विधानसभा प्रवेश करने के बाद हमें याद होना चाहिए कि हम अपने विधानसभा वासियों के लिए क्या कर रहे हैं। और जो विधायक जितना अपने विधानसभा के, अपने लोगों के लिए, अपने विधानसभाओं के लिए सुख सुविधा, सरकारी सुख सुविधा का काम कर पाते हैं, मैं समझता हूँ आने वाला समय में उनका आयु भी दीर्घायु होता है, लंबी होती। ये माना जाए कि विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र बेहद फ्रूटफुल होगा क्योंकि ये कल स्थानीय नीति के विधेयक को भी फिर से मंजूरी दी गई। निश्चित रूप से उस हिसाब से अगर आप विधानसभा को आंकेंगे तो कई ऐसे काम है जो काम ऐतिहासिक काम के रूप में है, और आपने देखा होगा कि 1932 के खतियान को लेकर के और स्थानीयता के लेकर के हमारे यहाँ के 3.5 करोड़ जनताओं के अंदर में एक उहापोह के भाव है, उसको शांत करने का प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूँ कि विधेयक पास होकर के राजभवन जाएगा और राजभवन के बाद ये कानून का रूप लेगा और यहाँ के लोगों का जो चिरलंबित मांग है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का, ये मांग पूरा होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये थे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, जिन्होंने बताई है कि सर्दी के इस मौसम में गर्माहट तो है लेकिन शीतकालीन सत्र झारखंड की जनता के लिए बेहद ही उपयोगी है। ऐसे में सत्र का आखिरी दिन है और सत्र के आखिरी दिन किस तरह के कार्यकलाप होते हैं इसके लिए इंतजार करना होगा। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।